दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी विषय पर न तो एक मत हुआ है, शायद ही न कभी एक मत होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही आपस में नफरत इतनी भरी है जिसे खत्म कर पाना मुश्किल है। यहाँ पर कोई जाति धर्म एक मत नहीं है, इसीलिए लोगों के अलग अलग मत और कार्यों को करने की रिश्तों के प्रति सोच, रिश्तों के साथ संबंध अलग अलग मायने रखते हैं। वहीं कुछ लोग जिन रिश्तों के साथ शादी और संबंध करना अच्छा नहीं मानते, तो कुछ लोग इसे सही मानते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म जितनी आज़ादी शायद ही किसी धर्म में देखने को मिले। यहाँ जिसे जो मर्जी आए करने के लिए आज़ाद व स्वतंत्र है। चलो दोस्तों आपको पूरी जानकारी देते हैं कि क्या हिंदू धर्म में मामा की लड़की और बुआ के लड़के से शादी करना सही है। इस विषय पर धर्म और विज्ञान क्या कहता है या उनकी क्या राय है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो आसानी से प्राप्त होती रहें। अगर वेदों और शास्त्रों की बात करें तो ये संबंध बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, और विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी इस बात को सही नहीं मानती, क्योंकि विज्ञान के अनुसार इंसान को शादी ऐसे व्यक्ति से करना चाहिए जिससे खून का दूर दूर तक कोई संबंध ना हो। अगर खून का संबंध रहता है तो इन रिश्तों में पैदा होने वाले बच्चे के शरीर में मानसिक और शारीरिक विकार होने की संभावना 80% से ज़्यादा हो जाती है। वहीं कानून की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5B के अनुसार जो 7 पीढ़ियों तक पिंड दान करने के अधिकारी हैं, उन्हें आपस में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कानून भी किसी भी जाति धर्म शास्त्रों का सम्मान करता है, किसी भी जाति धर्म और मान्यता को ठेस नहीं पहुंचाता। यदि उसकी परंपरा और संस्कृति में ये मान है तो यह कानून के लिए भी मान्य होगा। वहीं कुछ जगह ऐसे जैसे पंजाबी खत्री समुदाय के लोग आज भी अपने मामा की लड़की और बुआ के लड़के को शादी की मान्यता देते हैं, सभी नहीं कुछ एक। खैर आज किसी के ऊपर किसी परंपरा और मान्यताओं का असर कम ही देखने को मिलता है। कुछ ऐसे लोग जो इन सब बातों को दरकिनार कर अपनी बुआ की लड़की या बुआ के लड़के से शादी करने को तैयार हो जाते हैं, या मामा की लड़की या मामा के लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खास तौर पर प्यार करने वाले, क्योंकि प्यार में इंसान कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं मानता। वैसे भी इसीलिए कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। दोस्तों प्यार तो अंधा नहीं होता, क्योंकि प्यार के जब आंखें ही नहीं होती तो प्यार अंधा क्या होगा। प्यार करने वाला इंसान अंधा हो जाता है। कहीं कहीं दक्षिण भारत में भी कई समुदाय अपनी कजिन से विवाह कर लेते हैं। अब ये तो लोगों की पर्सनल आज़ादी है। दो बालिग आपस में प्यार करते हैं और जीवन भर साथ रहने का फैसला कर लेते हैं, वे आपस में विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु अपने अपने धर्म और समाज की कुछ मर्यादाएं अवश्य होती हैं, किंतु कुछ लोग मर्यादाओं को लांघकर ऐसा कदम उठा लेते हैं। सच बात तो ये है कि हिंदू धर्म ऐसी शादियों को मान्यता कदापि नहीं देता, कुछ लोग कहते हैं तो मात्र एक अफवाह और गलत फहमी के कारण। हिंदू धर्म में अपने इस तरह के रिश्ते संबंधों को विवाह करना बिल्कुल वर्जित बताया गया है। इस तरह के विवाह संबंधों को घृणित दृष्टि से देखा जाता है, किंतु आधुनिक युग की पीढ़ी इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करती। वैसे भी आज की पीढ़ी जो मन में आ जाता है वही करती है, उसे धर्म कर्म से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। खैर आज भी धर्म कर्म की रक्षा करने वाले और मर्यादाओं का पालन करने वाले लोग काफ़ी संख्या में हैं। दोस्तों आज की पीढ़ी तेजी से अंधकार की ओर अग्रसर हो चुकी है, धर्म कर्म में लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। खैर इसे युग का व समय का प्रभाव भी कहा जा सकता है, समय के अनुसार मान्यताएं भी बदल जाती हैं। वैसे कहा भी जाता है कि कुछ एक गंदी मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। ऐसे ही एकाध लोगों को जो अंधे होकर अपने रिश्ते को या अपने रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर देते हैं,
उनकी हवा चारों ओर जल्दी ही फैल जाती है और उनकी देखा देखी में लोग मर्यादाओं को लांघते चले जाते हैं। खास तौर पर आम लोग वैसा ही करते हैं जैसा कि बड़े स्तर के लोग करते हैं, उनका अनुसरण निश्चित ही करते हैं। जैसे सेलिब्रिटीज, बड़ी बड़ी हस्तियां जैसा करती हैं उनकी ही नकल आम लोग करने लगते हैं। वहीं कुछ अराजक तत्वों ने इन सब बातों का उल्टा सीधा प्रचार प्रसार किया है। हिंदू धर्म में ऐसे रिश्तों में विवाह करना पूर्णतया वर्जित है। फिर आपकी क्या राय है, आप कमेंट द्वारा अवश्य बताएं। क्या आप ऐसे रिश्तों में शादी करना अच्छा मानते हैं या नहीं।